Assalamu alaikum and welcome to office.com.pk. Chapter number 1 continue overview of computer system. Recap, agar hum dekhein to last lecture mein humne hardware aur software ke bare mein discuss kiya tha. Aise tamam physical components of computer inko touch kiya ja sake, wo aapki hardware hain aur aise set of instructions jo aap computer ko dete ho perform karne ke liye wo aapke software. आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कि कितने किस्म के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं. द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एप्लीकेशन, लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर, अभी सारे तमाम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में यूज होते हैं वो यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं. इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस पर्पज के लिए यूज किया गया. सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि कंप्यूटर में बिल्ड इन होते हैं, जो आपको अलाउ करते हैं कि आपके कंप्यूटर में जितना भी कंट्रोल है, कोऑर्डिनेट्स है एक्टिविटीज का, उसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं. द पर्पज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टू मेक द यूज ऑफ कंप्यूटर मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. अ कंप्यूटर विदाउट सम काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर वुड बी इनएक्टिव एंड इम्पॉसिबल टू ऑपरेट. सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर, ये आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेजेस, प्रोसेसर और वी कैन से ट्रांसलेटर. अगर आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि अगर ये कंप्यूटर में या आपके किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस में ना हो तो आपका कंप्यूटर यूजलेस है. बेशक ब्रांड न्यू कंप्यूटर है लेकिन अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं. अगर हम डिवाइस ड्राइवर की बात करें, अगर ड्राइवर्स नहीं है आपके कंप्यूटर में तो आप कंप्यूटर के यूज़ इतना इफेक्टिव नहीं होगा. जैसे अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर का ड्राइवर नहीं है तो आप प्रिंटिंग नहीं कर सकोगे. इस तरह यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं. यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये आपके बिल्ट इन सॉफ्टवेयर हैं जो आप खुद अपनी स्पेशली कस्टमाइज रिक्वायरमेंट्स पर बनाते हैं. उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर. अगर ट्रांसलेटर ना हो तो कंप्यूटर समझ ही ना सके कि यूज़र क्या कह रहा है. इन सब को हम वन बाय वन अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट वी कैन यूज इन अवर कंप्यूटर एंड विदाउट दैम कंप्यूटर इज यूजलेस. ओके, इनको आगे इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी तक के लिए इतना ही. इंशाल्लाह इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू और अल्लाह हाफिज़.